स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए आज हम अगला कंपोनेंट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, और आज की डेट में ट्रांजिस्टर को ही यूज़ करके हम माइक्रो प्रोसेसर और जितनी बड़ी चिप्स जिसके साथ सर्किट को कंट्रोल करना होता है उसे बनाते हैं। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हम एक ही चिप के ऊपर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को फैब्रिकेट करते हैं और उसकी हेल्प से ही सारी जो कंट्रोलिंग होती है। इसे समझने के लिए सबसे पहले बेसिक ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझनी पड़ेगी कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ट्रांजिस्टर है वो भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी कि ये भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनेगा। तो ज़्यादातर हम जर्मेनियम और सिलिकन का यूज़ करके ही ट्रांजिस्टर बनाते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसमें देखिए दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा डिस्क्राइब की गई हैं कि हम एम्पलीफायर और स्विचिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एम्पलीफायर में कई जगह पर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे, और कहीं सिग्नल को स्विच करवाना है तो वहाँ पर भी हम ट्रांजिस्टर की हेल्प लाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये ट्रांजिस्टर की है। तो हमने क्या करना है, जैसे कि हमने डायोड में देखा था कि दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक एन टाइप एक पी टाइप। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में आपके होल्स होते हैं। तो हमने तीन तरह के मटेरियल लेना है। कैसे करेंगे, जैसे कि वैसे तो दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है NPN एक होता है PNP। तो जो आप देख रहे हो वो है NPN। इसमें N टाइप मटेरियल एक लेना है, N टाइप की एक और वेफर लेना है, और उसके बीच एक सैंडविच कर देना है हमने P टाइप मटेरियल। तो जैसे आप देख रहे हो ज़्यादातर हम क्या होता है कि इस साइड जो होती है उसको हम अमीटर कहेंगे, बीच वाले को बेस करेंगे और इसको कलेक्टर करेंगे। अमीटर का क्या फंक्शन होता है, जब भी आप किसी कनेक्शंस में इसको लगाएंगे यहाँ से ही चार्ज कैरियर अमिट होंगे। बेस क्या करेगा, उसको बेस प्रोवाइड करेगा, रास्ता प्रोवाइड करेगा, और कलेक्टर उसी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपने इसकी डोपिंग की। जो आपका अमीटर सेक्शन होता है वो हाईली डोप्ड होता है, जो बेस सेक्शन हुआ है वो इतना ज़्यादा डोप नहीं होता, लाइटली डोप्ड होता है। कलेक्टर सेक्शन की जो विड्थ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अमीटर। ये एक तरह से एक जैसे आप पानी की टैप को कंट्रोल करना है, पानी के फ्लो को कंट्रोल करना है, तो आप क्या करते हो उसके टैप को जो है रोटेट करते हो। इसी तरह से बेस को अगर जो भी आप कंट्रोल सिग्नल करने के लिए, कंट्रोल फ्लो करने के लिए चार्ज कैरियर को इसको इस्तेमाल करोगे, तो यानी कि बेस पे जितनी भी आप वोल्टेज जो अप्लाई करोगे उसको अगर आपने कंट्रोल करोगे तो आपके जो चार्ज कैरियर है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे वो उसके हेल्प से ही होगा। ये जंक्शन जो होगा वो होगा अमीटर बेस जंक्शन, ये फर्स्ट वाला। दूसरा जंक्शन होगा बेस और कलेक्टर। होता क्या है कि हम बेस और अमीटर जंक्शन को ही फॉरवर्ड बायस करते हैं और फिर जो कलेक्टर वाला होता है उसको रिवर्स बायस करते हैं। तो यहाँ से ही करंट जो फ्लो हो के आगे कलेक्ट होता है। तो शुरू में जो करंट होगा बेस करंट का अगर हम मेज़र करें तो कम होगा, तो कलेक्टर के सर्किट वाले में होगा ज़्यादा। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर स्मॉल करंट आगे जाके ज़्यादा मिल रहा है आपको तो एम्पलीफिकेशन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्विचिंग का क्या कंसेप्ट है, अगर इसको आप फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो चार्ज फ्लो कर देंगे, अगर इसको नहीं फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वो नहीं चार्ज फ्लो करेंगे तो वो ऑफ होगा। तो ऑन और ऑफ इसके हम कर सकते हैं, तो इसको एज ए स्विच भी कर सकते हैं। तो इसका सिंबल कैसे होता, सिंबल इस तरह से होगा जिसमें हमने एक सर्कल है, एक बार है, दो एरो हैं, और जो एरो वाली साइड है वो अमीटर साइड होगी। जैसे ये आउटवर्ड है इसका मतलब ये NPN आपका ट्रांजिस्टर है। अगर ये PNP होता तो ये एरो इनवर्ड की तरफ हम शो करते। तो ये वाली जो बार होगी, बार के साथ जो टर्मिनल होगा उसको बोलेंगे बेस टर्मिनल। जो अमीटर वाला एरो वाला सेक्शन है वो अमीटर टर्मिनल, और जो एरो के अपोजिट होगा वो होगा कलेक्टर टर्मिनल।
तो तीन टर्मिनल का ये डिवाइस। तो हम सीधा ही प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिकली इसकी देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे कौन कौन से हमारे ट्रांजिस्टर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। सबसे पहले जो आप देख रहे हो वो आपका होगा ये वाला BC547। तो BC547 जो होगा आपका बेसिकली लो वैल्यू के जो ट्रांजिस्टर होते हैं, लो वैल्यू मींस जो कम करंट को कैरी करेंगे, कम करंट को प्रोसेस करेंगे, उस पर ऑपरेट होता है। तो मैंने ये मेंशन भी किया है कि 100 मिली एम्पियर तक की ये जो है बेसिकली लोड कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इस फॉर्म में हमें मार्केट में मिलेगा, तो मैं आपको शो करवाता हूँ। तो BC547 जो होगा इस फॉर्म में सेमी सर्कल सेम शेप में अगर आप रखोगे तो क्या होगा कि अगर जब सेमी सर्कल शेप में रखोगे तो जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे टर्मिनल होगा वो कलेक्टर होगा, बीच वाला बेस होगा और इस वाला अमीटर टर्मिनल होगा। तो जहां आपने कम करंट को प्रोसेसिंग करना है वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर बनाना है तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे थोड़ा आगे चले जाएं, कुछ ज़्यादा एम्पलीफायर को करना है तो वहाँ पर हम ये IRF Z44N ट्रांजिस्टर करेंगे। इसको हम MOSFET भी बोलते हैं, मैं आगे कवर करूँगा MOSFET क्या होते हैं। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये होते हैं। तो ये N से पता चलता है N चैनल। हाँ एक बार और बता दूँ, जो आपका BC होगा B से पता चलेगा कि ये सिलिकॉन का है, अगर यहाँ पर A होता तो जर्मेनियम से ये बना होता। C का मतलब है कि ये लो करंट को ऑपरेट करता है। तो ये जो आपका होता है थोड़ा 49 एम्पियर की जो आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, तो इसको आप इस्तेमाल करके आप किसी हाई पावर करंट के ऊपर जो प्रोसेसिंग करनी है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। देन उसके बाद कुछ पावर ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि हीट सिंक में कई ऑडियो सेट्स होते हैं, एम्पलीफायर सेट्स होते हैं, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हीट को ज़्यादा के ज़्यादा एटमॉस्फेयर में एमिट करना, डिसिपेट करना, वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो होगा आपका ये पावर ट्रांजिस्टर है जो कि एक 2N3055 ये ट्रांजिस्टर है। तो इसको हम ज़्यादातर आपके ऑडियो एम्पलीफायर के सेट में इस्तेमाल करते हैं। इसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो होंगे आपके एक बेस अमीटर और जो टैब होगी वो होगी आपकी कलेक्टर की। जो पिछले वाला है उसमें क्योंकि MOSFET है आपका तो उसमें थोड़े MOSFET हम डिस्कस करेंगे तो वो अलग से होंगे। वर्किंग ऐसी तरह से होती है जिसमें आपका गेट टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल होगा। तो अभी हम देखते हैं मल्टीमीटर से कि कैसे हम इसको चेक करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर ठीक है या गलत है। तो चलिए हम देखते हैं BC547 को कैसे चेक करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर ठीक है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे NPN और PNP ट्रांजिस्टर हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है अपने मल्टीमीटर को, तो वायर्स ले लेनी है। तो जैसे मुझे पता है कि ये NPN ही है तो मैं क्या करूँगा कि इसके अगर चलिए मान लीजिए अगर हमने चेक करना है कि NPN क्या है, सबसे पहले बेस को हम नेगेटिव से अटैच कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने बेस टर्मिनल को नेगेटिव से अटैच कर दिया और फिर आपके जो कलेक्टर टर्मिनल है उसके साथ अटैच किया, फिर अमीटर के साथ अटैच किया, तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है, जैसे मैंने सोचा था कि ये PNP होगा, वो PNP नहीं है। इसका मतलब मैं रेड वायर को इसके बीच वाले टर्मिनल पर अटैच करूँगा। तो रेड वाले को हम मैं बीच वाले टर्मिनल पर अटैच करूँगा तो देखूँगा कि ये आपका NPN है कि नहीं। तो इस तरह से मैंने रेड को इसके साथ अटैच कर दिया। अब इसके कलेक्टर टर्मिनल पर किया, ये देखिए वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से मैंने दूसरे कलेक्टर टर्मिनल पर भी अटैच किया तो ये वैल्यू शो कर रहा है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि ये जो ट्रांजिस्टर है
ठीक भी है और पीएनपी है और एनपीएन के। मेरी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।